दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और बहुत ज़बरदस्त एपिसोड के साथ। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल सेंट ऑन पर, जिस सीरीज़ का नाम है सेंट्स ऑफ हेवन, या आप कह लें कि जन्नत की खुशबू है। और ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं बहुत ही एग्जॉटिक, रेयर, जो कि बहुत मुश्किल से जो मटेरियल्स मिलते हैं और बहुत हाई क्वालिटी के जो स्टफ़ है मेरी कलेक्शन में, मैं उसको रिव्यू करूंगा। आप कह सकते हैं कि कलेक्टर एडिशंस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं इस सीरीज़ में रिव्यू करूंगा। और क्योंकि ये तमाम प्रोडक्ट जो मैं इस सीरीज़ में रिव्यू करूंगा वो बहुत रेयर हैं, बहुत नायाब हैं, तो उस वजह से ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी कीमतें काफ़ी महंगी रहेंगी, कुछ थोड़ी कम महंगी होंगी, कुछ काफ़ी ज़्यादा महंगी होंगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है या ये जो सीरीज़ है ये तमाम लोगों के लिए नहीं है, बट स्टिल आप लोग ये वीडियोस देख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, और अपनी जो परफ्यूमरी की गेम है उसको अप करने के लिए। और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जॉटिक और जो ये रेयर मटेरियल्स होते हैं ये कैसा स्मेल करते हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो आज के एपिसोड में मैं जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स रिव्यू करूँगा उसका नाम है स्टार्टअप अरोमास फ्रॉम इंडिया। ये एक इंडियन हाउस है और ये लोग नेचुरल मटेरियल में काम करते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, इनकी ब्लेंडिंग, इनके प्रोडक्ट्स आर रियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अमेजिंग 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 प्रोडक्ट्स, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस। और ये ऐसे परफ्यूम्स हैं कि इनको एक दफ़ा एक्सपीरियंस करने के बाद आपके जो ऑल्फैक्ट्री सेंसेस हैं, जो आपके नोज़ की मैच्योरनेस है, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। और आपको पता चलेगा कि कोई खुशबू कितनी खूबसूरत स्मेल कर सकती है। मैंने इनके कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रिव्यू किए थे मेरे चैनल पे, आप लोग अगर स्टार्टअप अरोमास सेंट ऑन लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने इनका एक प्रोडक्ट रिव्यू किया था जिसका नाम था सेंटा मरिया, और ये बेस था एज ओल्ड मैसूर सैंडलवुड पे। और जो ये सैंडलवुड इसमें जो ऑयल्स में यूज़ किया गया था, इट वॉज लाइक अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड, और 70 साल पहले की डिस्टिलेशन, इतना पुराना ऑयल डिस्टिल हुआ हुआ, और उसको प्रोक्योर करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समहाउ लकीली ये जो हमारे एरिक भाई हैं स्टार्टअप अरोमास वाले, ये और इनके जो बड़े भाई हैं ये खोज में रहते हैं, चीज़ें ढूंढते रहते हैं। और इनके क्योंकि ये इस बिजनेस में हैं तो इनकी इनके कनेक्शन ऐसे हैं कि जिस वजह से इनको इस तरह के रेयर स्टफ़ और बड़े एग्जॉटिक स्टफ़ इनको मिल जाते हैं। आप इमेजिन करें कि एक संदल का ऑयल जो कि 70 साल पुराना हो या 65 साल पुराना हो, उसको ढूंढना कितना मुश्किल या कितना आसान रहेगा। तो सेंटा मरिया जो है ये उस सैंडलवुड पे बेस करता है। और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये परफ्यूम कुछ अपने ऐसे दोस्तों को टेस्ट करवाया 2-3 वीक पहले। मैं यहाँ दुबई में एक फ्रैग मीट पर था और वो जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, फरीद भाई और फहद भाई, वो लोग हैं जो सोते उठते ऊद में और मस्क में और नेचुरल मटेरियल्स में हैं। और फहद भाई ने जब इस परफ्यूम को चेक किया तो लिटरली ही वॉज शॉक्ड, और उन्होंने कोई 3-4 दफ़ा इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक किया एंड ही वॉज ब्लोन अवे। और वो कह रहे थे कि यार दिस इज़ समथिंग मोर देन ऊद, ये ऊद से भी नेक्स्ट लेवल स्टफ है। This is for me time only. What about quality and men? This is top notch. Top notch. इसके आगे कुछ नहीं है। संता मरिया? संता मरिया। उन fragrances पीछे हैं ये जैसे कमी। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, natural ingredients को समझते हैं, जिनको संदल का नोट पसंद है, आप यार इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम से कम आपकी कलेक्शन में होनी चाहिए इफ़ यू कैन अफोर्ड। तो ये था सेंटा मरिया। और फिर मैंने इनका एक और परफ्यूम रिव्यू किया था जिसका नाम था 9 फ्लावर्स। और मेरे ख्याल से फ्लोरल्स परफ्यूम्स में मैंने इससे खूबसूरत सेंट शायद ही कोई एक्सपीरियंस किया हो। बहुत से परफ्यूम्स हैं अच्छा स्मेल करते हैं, बट दिस इज़ एक्सेप्शनल। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि 9 फ्लावर, इसमें 9 जो फूल हैं उनका कुछ ब्लेंड किया गया है, बट स्मेल्स सो गुड। और इसकी बेस में भी सैंडलवुड का आपको नोट मिलता है। सैंडलवुड की बेस पे 9 फ्लावर्स का ऑयल ब्लेंड करना इट्स नॉट ईजी। बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम 9 फ्लावर्स, इसको ज़रूर ट्राई करें। इट्स ब्राइट, इट्स अपलिफ्टिंग, एंड आपको सही में लगेगा कि शायद यार जन्नत ऐसी ही स्मेल करती होगी। फिर मैंने इनका एक प्रोडक्ट रिव्यू किया था जिसका नाम था आई एम साइकिक। और इसके अंदर थोड़ा सा एक
कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। ये जो परफ्यूम है आई एम साइकिक, ये प्योर 100% डियर मस्क से बनाया गया है, इसमें कुछ और नहीं है, इस प्योर डियर मस्क और सच्ची मुच्ची वाली मस्क, इट्स नॉट दैट, वो जो दो नंबर पॉट्स मिलते हैं। सो अगर आपको लाइफ में वाकई ही रियल कस्तूरी को स्मेल करना हो तो ट्राई आई एम साइकिक। लेकिन उस वक्त कुछ प्राइस में प्रॉब्लम हुआ कि जब मैंने इसको रिव्यू किया था तब इसकी प्राइस शायद 21,000 पे इंडियन रुपीस थी या 22,000 थी, एंड इमीडिएटली इसकी प्राइस स्टार्टअप अरोमा सलोन ने डबल कर दी थी। उनके कुछ अपने रीजंस थे, बट द गुड न्यूज़ हियर इज कि उनके पास एक लास्ट बोतल बची है इस परफ्यूम की, एंड दे आर हैप्पी टू गिव इट अवे फॉर 22,000 इंडियन रुपीज। तो अगर किसी भी भाई को सच्ची में कोई रियल कस्तूरी स्मेल करनी हो जिसमें उसको वो एनिमेलिक यूरिन की और स्किन की स्मेल नहीं चाहिए, ही जस्ट वांट प्योर रिफाइंड डियर मस्क, तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपकी लाइफ में वंस इन द लाइफ टाइम टाइप की ये चीज़ें हैं, आप आज ले लेंगे और आई एम नॉट श्योर कि वो कभी इसको लाइफ में दोबारा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अभी तक तो उनका स्टैंस ये है कि दे विल नॉट गोइंग टू मेक इट अगेन। तो ये कुछ बहुत ही रेयर चीज़ें हैं, तो आई एम लकी इनफ कि मेरे पास ये मेरी कलेक्शन में चीज़ें आ गई हैं, बट दिस इज़ समथिंग एक्सेप्शनल। और इसका आपको सिर्फ एक स्प्रे चाहिए होता है, तो अगर आप ये 20-30 ml जितनी भी इनकी पैकिंग आती है अगर आप ले लेते हैं तो ऑल यू नीड इज़ वन स्प्रे, और ये अपनी कैबिनेट में रख छोड़ें। जितना पुराना होता जाएगा इसके पैसे भी बढ़ते जाएंगे और मोर मैच्योर होता जाएगा और खूबसूरत से खूबसूरत ये होता जाएगा। तो ये था आई एम साइकिक, और चलें अब स्टार्ट करते हैं अपने नए प्रोडक्ट्स का रिव्यू। और एक दफ़ा फिर बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, कुछ मेरे पास अभी नए आए हैं, एंड वंस अगेन आई एम लविंग द ब्लेंडिंग, रियली नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत से नीच परफ्यूम डिजाइनर परफ्यूम्स एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत बहुत अच्छे परफ्यूम है मेरे पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बट ये एक कुछ अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला परफ्यूम जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा उसका नाम है ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। आपको इसकी ओपनिंग में एक बड़ा ही प्यारा मीठे ऑरेंज का नोट आता है, इट्स मोर लाइक अ ब्राइट फ्लोरल कंकॉक्शन, लेकिन कुछ फूलों के ब्लेंड में या समहाउ आपको इसके अंदर एक बड़े ही मीठे ऑरेंज के आपको खूबसूरत सा यहाँ पे नोट मिलता है ऑन द टॉप। फिर आपको इसमें बहुत सारे फ्लोरल्स मिलते हैं, आपको इसमें लिलीज का नोट मिलेगा, फिर आपको इसके अंदर लोटस जो फ्लावर होता है उसका एक अच्छा प्यारा सा ब्लेंड मिलता है, और फिर आपको इसके अंदर एक बहुत ही एक एक्वेटिक सी आपको इसमें वाइब मिलती है, बहुत कूल और रिफ्रेशिंग है। और उसके साथ आपको सिर्फ बेस मिलता है सैंडलवुड, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट इसका ब्रेकडाउन क्या है, लेकिन इसमें आपको बेस में बड़ी ही खूबसूरत सी सैंडलवुड की मिठास मिलती है, क्रीमीनेस मिलती है, उस पर बड़े ब्राइट फ्लोरल्स और फिर वह हल्का सा प्यारा सा मीठे से ऑरेंज का नोट, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। इसको अपनी स्किन पे आप लगाएं एंड फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये आप पे डेवलप करेगा आपकी स्किन पे, जो उसकी ट्रांजिशंस हैं, जो उसकी जर्नी है, यू विल बी लविंग इट, रियली एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस। तो ये था ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो 30 ml आपको मिल जाएगा 4,500 इंडियन रुपीज़ में, और 50 ml मिल जाएगा आपको 6,500 इंडियन रुपीज़ में। अगर आप 50 ml नहीं अफोर्ड करते तो यू कैन स्टिल गो विद 30 ml फॉर 4,500 इंडियन रुपीज़ एंड यू विल बी लविंग इट। ये आप सर्दी में भी लगा सकते हैं और ऑल सीजन, इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट। तो ये था ब्ला ब्ला ब्ला। चले अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा परफ्यूम। तो जो दूसरा परफ्यूम यहाँ पे है ये बहुत यूनिक है, और मैंने आज से पहले ये परफ्यूमरी का नोट पहले स्मेल नहीं किया था तो मुझे ये बहुत यूनिक लगा। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पोकाहोंटस माओ की, पोकाहोंटस माओ की। और इसके अंदर आपको एक दफ़ा फिर एक फ्लोरल का कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन जो इसमें सबसे यूनिक नोट है, जो इसकी बैकबोन है, वो है नोट मोलसरी का। मोलसरी का फ्लावर जो होता है इट्स लिटिल बिट स्पाइसी, लिटिल बिट स्वीट, एक बड़ा ही यूनिक सा ब्लेंड है विद सम अदर फ्लोरल नोट्स, और कहीं ना कहीं इसकी बेस में भी शायद सैंडलवुड हल्की सी यूज़ की गई है। बट वंस अगेन इसमें आपको एक हल्के से सिट्रस टाइप के भी नोट्स मिलते हैं, ब्यूटीफुल ब्लेंड एंड वेरी यूनिक। तो अगर आप कुछ बिल्कुल हट के कुछ अलग यूज़ करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो पोकाहोंटस माओ को आप ज़रूर ट्राई करें। और इसके 30 ml की प्राइस है 4,300 इंडियन रुपीज़, और 50 ml की प्राइस है 7,600 इंडियन रुपीज़। अगर आप 50 ml अफोर्ड नहीं करते, यू कैन स्टिल गो विद 30 ml, और 30 ml भी अपने लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि ऐसे परफ्यूम्स हैं जो आपको मैक्सिमम दो स्प्रे आपके लिए काफ़ी रहते हैं, आपको इन्जॉय करने के लिए, आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो ये था
पोकाहोंटस मा ऑफ द हाउस ऑफ स्टार्टअप रोमास, अ ब्यूटीफुल कंकॉक्शन। और चलें अब आते हैं अपने तीसरे परफ्यूम पे। तो ये परफ्यूम मेरे दिल के बहुत करीब है, कुछ तो इसका नाम भी एक ऐसा है। और जो इस परफ्यूम की डिस्क्रिप्शन है, जो मुझे एरिक भाई ने इसकी डिस्क्रिप्शन दी थी, उसमें ऐसा था कि ये भाई लोग का परफ्यूम है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इसमें भाई लोग वाली फील तो नहीं आई, बट दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कालिया की। कालिया एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है, और कालिया भी बेस करता है सैंडलवुड में, लेकिन जो इसकी यूनिकनेस है वो है इसके अंदर एक खूबसूरत नोट बनाना का। और अगर आप सोचें कि कैसे बनाना को परफ्यूमरी में डाल सकते हैं, इट्स अमेजिंगली डन हेयर। अगर आप लोग किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपने बनाना के ट्रीज जो होते हैं, अगर आपने वो आपके शहर में हो, आपने कभी उसके पत्ते क्रश किए हों, या अगर आप केरला की साइड से हैं और आपने, लेट्स सी, कि अगर आप बनाना का पत्ता लेकर उसे क्रश करें, तो जो उसमें एक पत्ते की जो ग्रीन सी स्मेल होती है, और उसमें आपको बनाना की स्मेल भी हल्की हल्की ग्रीन टाइप में, ग्रीन वे में आपको मिलती है वो, और उस पर आप एक मीठा केला लेके अगर आप उसको रब कर दें, तो दैट इज़ द स्मेल यू विल गेट इन दिस परफ्यूम इन परफ्यूमरी वे। आपको वो खाने की फील नहीं आती, आपको रियली परफ्यूमरी की फील मिलती है। और बहुत ही खूबसूरत सैंडलवुड है बेस में, और उसके टॉप पे आपको मिलता है ये ग्रीन बनाना का नोट, और साथ आपको हल्का सा टच मिलता है ऊद का, बहुत लाइट सा, जो कि इसको हल्की से एक बड़ी एक्जॉटिक वुडी और रेजिनस सी फील देता है। बहुत खूबसूरत ब्लेंड, ट्रस्ट मी आई एम रियली लविंग इट। और जब आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे, तो जो इसके जिसके ट्रांजिशंस हैं, जो इसकी जर्नी है, वो बहुत प्यारी है। आपको जैसे जैसे आपकी स्किन पे डेवलप करेगा, यू विल बी लविंग इट। आप सारा दिन अपना हाथ स्मेल करते रहेंगे, जहाँ भी अगर आपने अपने हाथ पे कहीं पे इसको स्प्रे किया, तो आप इसे अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर अपने कपड़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, टू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस। और खूबसूरत ब्लेंड, तो ये था कालिया फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टार्टअप अरोमास। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, तो ये 30 ml मिल जाता है आपको 12,000 इंडियन रुपीज़ में। यस, महंगा है, लेकिन जो चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं वो रियली एक्जॉटिक हैं, एंड दे आर नॉट ईजी टू गेट, क्योंकि वो जो सैंडलवुड जिसके अंदर वो बनाना का नोट सम हाउ इन्फ्यूज़ हुआ है नेचुरली, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड। तो बहुत खूबसूरत ब्लेंड कालिया, एटलीस्ट आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और चलिए आप जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे। और वंस अगेन, दिस इज़ एक दफा फिर, आई लव ऑल दिस फ्रेगरेंसेज, लेकिन कुछ हैं जिन पे आपका दिल ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा डुल जाता है। तो उसमें से कालिया के बाद आती है एक दफ़ा फिर सांता मरिया कन्वेंशन। अगर सांता मरिया कन्वेंशन की मैं बात करूँ, तो ये परफ्यूम बेस करता है सांता मरिया पे, जो ये वाला परफ्यूम मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया था, इसकी बेस वही है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने मज़ीद इसके ब्लेंड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है, कुछ चीज़ें इसके ऊपर टॉप पे ऐड की हैं, जिससे कि एक काफ़ी डिफरेंट टाइप का ये परफ्यूम बन गया है। ड्राइड ऑन में बेस में आपको वही खूबसूरत क्रीमी सैंडलवुड का नोट मिलता है, लेकिन इसके टॉप में इन्होंने ऐड किया है सीडरवुड, और उसके साथ यहाँ पे दिया गया है ब्लू लोटस, ग्रीन टी, फिर आपको यहाँ मिलता है ऑरेंज रूट और सैंडलवुड। सैंडलवुड मीन्स सांता मरिया, और बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड। यहाँ पर आपको इसकी स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल्स मिलते हैं, डेफिनेटली जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ब्लू लोटस। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर के ब्लू लोटस कैसा स्मेल करता है, लेकिन यस, जो कमल का फूल होता है, आपको जो उसके अंदर एक एक्वाटिक सी, वाटरी सी जो फील होती है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और फिर जो ग्रीन टी का नोट है, वो इसको एक ब्राइटनेस देता है, आपको एक सिट्रसी से टोन्स मिलते हैं। अगर आप लोगों ने क्रीट का सिल्वर माउंटेन वाटर चेक किया हो, तो उसमें भी एक बहुत खूबसूरत ग्रीन टी का नोट है। तो एक, इट्स नॉट सिमिलर टू दैट वन, लेकिन जो उसमें आपको एक ब्राइटनेस मिलती है ना, एक आपको हल्का सा सिट्रसी सी आपको ग्रीन टी का जो एक उसमें आपको नोट मिलता है, आपको उस तरह के यहाँ पे ब्राइट ग्रीन टी का नोट मिलता है, साथ फ्लोरल्स हैं। और इस रूट मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि मे बी ब्लेंड में और सैंडलवुड ऑलरेडी क्रीमी होता है, तो वो उसमें कहीं मर्ज हो गया है, मिक्स हो गया है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट। सांता मरिया कन्वेंशन, आपको इसके अंदर जो सबसे एक खूबसूरत चीज़ मिलेगी, जो यूनिक चीज़ मिलेगी, वो है फ्यूजन सीडरवुड का और सैंडलवुड का, क्योंकि सैंडलवुड क्रीमी, लिटिल स्मोकी, स्मूथ वुडी स्मेल करता है। ऑन द अदर हैंड, जो सीडरवुड का नोट होता है वुड का, वो हमेशा थोड़ा सा शार्प, ड्राई वुडी टाइप की उसकी स्मेल रहती है। तो जिस तरीके से यहाँ पे इसकी ब्लेंडिंग की गई है, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्यूजन। आपको वो जो एक एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत मजा कराएगा। तो दिस वाज अबाउट सांता मरिया कन्वेंशन। और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं, तो ये 50 ml मिलेगा आपको 8,500 इंडियन रुपीज में। लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट रियली यू विल बी लविंग इट इफ यू लाइक सैंडलवुड। अगर आपको ये
नेचुरल परफ्यूमरी की पहचान है, अगर आप इस तरह के परफ्यूम अप्रिशिएट करते हैं तो यू विल बी लविंग इट। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे, और जो नेक्स्ट परफ्यूम मेरे पास यहाँ पे है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसका नाम है वाटरमेलन मस्क। और मैंने काफ़ी सारे परफ्यूम एक्सपीरियंस किए हैं, मेरे ख्याल से 2 से 3 वाटरमेलन बेस्ड फ्रेगरेंसेस मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन जो खूबसूरत नोट वाटरमेलन का यहाँ पे क्रिएट किया गया है इट्स अमेजिंग। और आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने ये जो एकॉर्ड है कैसे बनाया है, जहाँ तक मुझे समझ आता है आई थिंक इट्स मिक्स ऑफ सम फ्लोरल्स, और उसमें शायद उन्होंने हाँ कोई एक अकॉर्ड वाटरमेलन को ऐड करने के लिए उन्होंने इसमें यूज़ किया होगा, बट इट स्मेल्स सो ब्यूटीफुल। गर्मियों के लिए खासकर बेहतरीन आपको वाटरमेलन का हल्का सा नोट मिलता है, वाटरी सा स्वीट सा आपको साथ उसमें हल्की सी एक खटास मिलती है, फिर आपको इसमें मिलते हैं फ्लोरल्स बहुत ही खूबसूरत से वेरी ब्राइट फ्लोरल्स। और जो मस्क यहाँ पे यूज़ की गई है वो टिपिकल वाइट मस्क नहीं है, बल्कि यहाँ पे ब्लैक मस्क यूज़ की गई है, लेकिन बड़े ही ब्राइट वे में। अगर आप आई एम साइकिक को भी एक्सपीरियंस करेंगे तो ये भी इसमें भी एक बड़ी ब्राइट फील है, तो आपको यहाँ पे भी उस तरह की एक बड़ी ही ब्राइट फील में एक खूबसूरत वे में आपको ब्लैक मस्क हल्की सी साथ आपको वाटरमेलन का यहाँ पे नोट मिलता है। एंड दिस इज वंस अगेन अ ब्यूटिफुल कंपोजिशन, फ्लोरल्स, ब्राइट मस्क, वाटरमेलन, लिटिल बिट स्वीट, वेरी नाइस। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 3,500 इंडियन रुपीज में ये मिलेगा आपको 20 ml। तो जरूर ट्राई करें अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं। मैं स्टार्टअप अरोमास वालों के तमाम नंबर्स लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी अगर आप लोग इंडिया में हैं तो आई थिंक यू कैन फाइंड अ वे टू टेस्ट आउट दीज फ्रेगरेंसेस। और चलें अब आते हैं अपनी आखिरी परफ्यूम की तरफ, और दिस इज वंस अगेन समथिंग एक्सेप्शनल। तो वो तमाम लोग जो लेदर लाइक करते हैं जैसे कि मैं, मेरी तमाम ये जो परफ्यूम की जर्नी है इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम टस्कन लेदर, और टस्कन लेदर मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट, आई लव द नोट ऑफ लेदर। मेरे पास मेरे बहुत से ऐसे परफ्यूम होंगे जिसमें लेदर होगा, तो जिस परफ्यूम में मैं लेदर का नोट देखता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको फटाफट टेस्ट करके मैं बाय कर लूँ इफ़ आई लाइक इट। तो मुझे लेदर इतना पसंद है, तो यहाँ पे जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ ये है ब्लैक लेदर। और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत से खूबसूरत लेदर बेस्ड सेंट स्मेल किए हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, न वन ऑफ द बेस्ट। और इतना खूबसूरत जो लेदर का यहाँ पर नोट यूज़ किया गया है इट्स रियली अमेजिंग, अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन, बहुत कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत यहाँ पे इसकी ब्लेंडिंग है। यहाँ पे आपको एक बड़ा ही प्यारा नोट मिलता है लेदर का, एक हल्की सी स्वीटनेस मिलती है ऑन द टॉप। लेदर जो यहाँ पे यूज़ किया गया है इंडस्ट्रियल नहीं है, सॉल्टी नहीं है, इट्स वेरी स्मूथ एंड ब्रिलियंट, बहुत खूबसूरत। और उसके बाद आपको इस परफ्यूम में लेदर के साथ साथ यहाँ पे जो आपको चीज़ें मिलती हैं उसमें आपको मिलता है ईरानियन जैस्मिन संबाग, बहुत खूबसूरत ब्राइट जैस्मिन का नोट मिलता है आपको, और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है टोबैको हल्का सा। सो ब्यूटीफुल लेदर, वेरी ब्राइट जैस्मिन विद सम टोबैको, और रोज, बहुत ही प्यारा रोज़ का यहाँ पे ट्रेस मिलते हैं। एज पर द नोट्स ब्रेक डाउन उन्होंने लिखा है कि इस टर्किश रोज़, लेकिन आपको रोज़ के खूबसूरत गुलाब के यहाँ पे आपको एनवाइसेज मिलते हैं। अ ब्यूटीफुल ब्लेंड, जस्ट इमेजिन, प्यारा सा लेदर, हल्के से स्वीट नोट ऑन द टॉप, खूबसूरत जैस्मीन, उसके साथ अगर आप हल्का सा टोबैको डालें मीठा सा, और साथ आप डालें रोज़, खूबसूरत सेंट, और कहीं ना कहीं आपको इसकी ओपनिंग में हल्का सा बूजी इफेक्ट भी मिलता है ड्यू टू द जैस्मिन, द यूज ऑफ दैट ईरानियन जैस्मिन संबाग, तो बहुत प्यारा सेंट। तो वो तमाम भाई जिन्हें लेदर पसंद है ज़रूर ट्राई करें, और फिर उसके साथ साथ इसके अंदर आपको एक हल्के से ना एमरी नोट्स भी मिलते हैं, हल्का सा स्पाइसी भी है, शॉर्ट एंड शॉर्ट बहुत ही प्यारा ब्लेंड। तो ये था ब्लैक लेदर, और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 50 ml मिलेगा आपको इंडियन 12,000 रुपये का, तो 12,000 रुपये में 50 ml। और इसकी जो सिर्फ एक डाउनसाइड है वो ये है कि आप इसको अपने कपड़ों पे स्प्रे नहीं कर सकते, ये स्पॉट डालेगा ब्राउन रंग का इमीडिएटली, तो आपको इसको अपनी नीचे स्किन पर लगाना पड़ेगा। और यहाँ अगर आप नीचे वेस्ट पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, तो आप उस पर लगा लें। और क्योंकि ये एक नेचुरल ब्लेंड है और मुझे केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, नॉट अ केमिस्ट, तो मुझे नहीं पता कि कितना मुश्किल रहा होगा इसमें से ये जो कलर वाला जो इसका एक ड्रॉबैक है उसको रिमूव करना, इसमें से वो कलर निकालना। आई एम नॉट श्योर के उसके पीछे टेक्निकल क्या रीजंस होंगे, लेकिन यस, आप इसे कपड़े पे यूज़ नहीं कर सकते, तो बेस्ट ये होगा कि आप इसको अपनी स्किन पे, यहाँ पे अपने नेक पे, या शर्ट के अंदर, या अपने यहाँ पे फोरआर्म पे इसको लगा लें,
और ऊपर से आप कपड़े पहनने जब एक दफ़ा ये ड्राई हो जाए तो यू विल बी लविंग इट होल डे। और बहुत ही प्यारी ट्रांजिशन हैं, बहुत प्यारा स्मेल करता है, वंस अगेन अ ब्यूटीफुल सेंट ब्लैक लेदर। तो ये था आज का रिव्यू हमारा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। एक दफ़ा फिर ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो तमाम भाइयों के लिए नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए शायद अफोर्ड करना मुश्किल रहेगा, प्राइजेस हाई हैं, लेकिन जो लोग नेचुरल परफ्यूमरी समझते हैं, जिनको इन चीज़ों का आइडिया है, जो लोग इस तरह के परफ्यूम अप्रिशिएट करते हैं, जिनको पता है कि ये मटेरियल्स कितने मुश्किल से मिलते हैं, इनकी क्या वैल्यू है, ओनली दे कैन अप्रिशिएट इट। और बाकी तमाम भाई तो वीडियो देख ही सकते हैं फॉर नॉलेज फॉर इन्फॉर्मेशन। तो आपको ब्रांड का नॉलेज मिल गया, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कहीं ऐसा हो कि आपको ये ब्रांड दिख जाए तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकेंगे, आप लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू अबाउट स्टार्टअप अरोमास के ये खूबसूरत परफ्यूम्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाजत दें भाई को, आपको मिलूंगा अपने एक अगले रिव्यू में और ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना अपने पैरों का ख्याल रखें, प्रोडक्ट सेंटर, स्टे फ्रेग्रेंट और हाफिज़।